नमस्कार साथियों, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स जो 12 फरवरी को होने वाली है, करंट अफेयर्स से सर्वाधिक संभावित प्रश्नों की श्रृंखला प्रशासनिक गुरुकुल के द्वारा इस प्रकार है। बिहार में जाति जनगणना का दूसरा चरण कब शुरू हो रहा है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2023। पहला चरण कब स्टार्ट हुआ है? तो 7 जनवरी 2023, और ये 21 जनवरी 2023 पर खत्म हो गया है। दूसरा चरण जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो ये एक संभावित प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक रंगमंच है? तो एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है ये आपका, विदेशिया, नौटंकी, डोमकच, तमाशा। तो इसका सही जवाब है विदेशिया और डोमकच दोनों ही। नौटंकी उत्तर प्रदेश का है और तमाशा महाराष्ट्र की है। तो ये एक संभावित प्रश्न हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये एक्चुअली दिसंबर 2022 में हुआ है और इसका सही जवाब है हरियाणा। कोरोना की वजह से यूथ इंडिया गेम्स 2021 का आयोजन दिसंबर 2022 में हुआ है। हरियाणा ने बड़ी संख्या में कार्यक्रमों की मेजबानी की और पंचकुला हरियाणा को मेजबान शहर के रूप से नामित किया गया। तो पंचकुला भी आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। शरद यादव जी, जिनका निधन अभी हाल के दिनों में हुआ है, उनके भी जीवन से प्रश्न आ सकते हैं। शरद यादव जी ने निम्नलिखित संसदीय सीटों में से कौन सी लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही जवाब है जबलपुर, बदायूं, मध्यपुरा। छपरा से श्री लालू प्रसाद यादव जी लड़ते हैं। तो आपका सही जवाब होगा एक से अधिक, जबलपुर लोकसभा से। वो पहली बार 1974 और 77 में जीत दर्ज किए। बदायूं लोकसभा सीट को 1989 में जीते और 4 बार मध्यपुरा से वो सांसद रहे। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस जिले में सोने की उपस्थिति का संकेत दिया है? तो ये एक संभावित प्रश्न है जो आपका आ सकता है बीपीएससी में। सही जवाब है जमुई जिला। बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार सर्वेक्षण में जमुई जिले में सोने का अतुल्य भंडार पाया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध बनाया गया है? यह भी आपके प्रश्न पत्र में संभावित प्रश्नों में से एक हो सकता है। तो सही जवाब है फल्गु नदी। गया के फल्गु नदी में भारत का सबसे लंबा रबर बांध गया जी बांध है। इस बांध को 324 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें विशेष रूप से आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। इस बांध को 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण किया गया है। यह बांध विष्णुपद मंदिर के पास है। विष्णुपद मंदिर कहां पे है? गया जिले में है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने किया था। यह भी प्रश्न हो सकता है। सातवां प्रश्न, ओएनजीसी ने निम्नलिखित में से किस जिले में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का आवेदन किया है? तो इसका सही जवाब है बक्सर और समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के गंगा बेसिन के 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और बक्सर जिले के गंगा नदी के बेसिन में 52.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल होने का दावा किया गया है। गति शक्ति विश्वविद्यालय काफी न्यूज में है, करंट अफेयर का विषय है और इससे आपको संभावित प्रश्न हो सकता है। तो इसके पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव, इन्हें बनाया गया है। आप इनका पिक्चर भी देख रहे हैं, इसे मेमोराइज कर लीजिए। ये आपके प्रश्न पत्रों में जरूर दिखने की संभावना है। अगला प्रश्न भी अति संभावित प्रश्नों में से एक है। 2022 के आईसीसी इमर्जिंग विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है रेणुका सिंह, जो आपका हिमाचल प्रदेश की हैं और ये बहुत अच्छी फास्ट बॉलर हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल आधारित संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये ग्रीन फील्ड प्लांट कहां पे है? पूर्णिया में है। पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र में बिहार के आता है और यहां पर मक्के की खेती बहुत आयत होती है। तो मक्के का इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण किया जाएगा, मक्के का इस्तेमाल करके इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये
प्रश्न हो सकता है आपके बीपीएससी प्रीलिम्स में। अगला सवाल, बिहार खरीफ महाअभियान 2022 किस जिले से शुरू किया गया है इस महाअभियान को? तो इसका सही जवाब है पटना। निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? यह आपका करंट अफेयर्स का सवाल है और ये इसका जवाब है संजय करोल साहब, जस्टिस संजय करोल। प्रश्न 13, चनपटिया मॉडल जो काफी न्यूज में रहा है बिहार के किस जिले से संबंधित है? अभी यहाँ के जो डीएम है उन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम है कुंदन कुमार और सही जवाब है पश्चिम चंपारण। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? हाँ, ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, इसका सही जवाब है इंदु प्रभा सिंह। ये करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि जस्टिस इंदु प्रभा सिंह का निधन हो गया है, उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह को बिहार की पहला महिला जज होने का गौरव हासिल था। प्रश्न 15, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऐसे प्रश्न आपको बीपीएससी में ज्यादातर देखने मिलते हैं, तो इसका सही जवाब है 40। ये भारत के लिए बहुत ही सुखद खबर है। प्रश्न 16, 2020 G20 इंडिया का लोगो वसुधैव कुटुंबकम कहां से लिया गया है? 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम, तो उसे कहां से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है महाउपनिषद। ये आपके यूपीएससी, एसएससी और बीपीएससी एग्जाम में भी आने की पूर्ण संभावना है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसका आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। प्रश्न 17, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ये जगह कौन सी है? तो इसका सही जवाब है किशनगंज दिल्ली। आप किशनगंज बिहार से कंफ्यूज ना हो। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है बिहार में? तो ऑप्शंस हैं आपके महाबोधि मंदिर, बी नालंदा महाविहार, सी विक्रमशिला मठ, डी बराबर की गुफाएं जो आपके जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब ई है, एक से अधिक, क्योंकि बिहार में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में दो चीजों का नाम है, पहला है महाबोधि मंदिर, दूसरा है नालंदा महाविहार। प्रश्न 19, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा मार्च 2022 में आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर था? तो उसका जवाब है मुजफ्फरपुर। प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? रामचंद्र मांझी जी जो 96 वर्ष के थे उनका अभी इंतकाल हुआ है और ये एक संभावित प्रश्न हो सकता है आपके बीपीएससी में। ये पद्मश्री अवार्ड हासिल कर चुके थे, ये विदेशिया में भी भिखारी ठाकुर के साथ काम कर चुके थे, ये लौंडा नाच के लिए मशहूर रहे हैं। तो ये आपको बीपीएससी के संभावित प्रश्नों की श्रृंखला के 20 प्रश्न हमने करा दिए हैं। आप हमारे दूसरे पार्ट का वेट कीजिए, हम आपको अति संभावित प्रश्न जरूर देंगे। धन्यवाद।